आज के वीडियो का टॉपिक है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। हम देखेंगे कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, पूरा 3D में देखेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके कुछ पार्ट्स के नाम जान लेते हैं, फिर हम आगे जानेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर से हम क्यों मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम इसका कनेक्शन जानेंगे, फिर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे। अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर वाला जो टर्मिनल देख रहा है, यह HT टर्मिनल, मतलब हाई टेंशन टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो, यहाँ पर थोड़ा नीचे ऑयल फिलिंग प्लग कहते हैं इसे। इस ऑयल फिलिंग प्लग की मदद से हम इसके अंदर ऑयल को फिल करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को इंसुलेटिंग पर्पस एंड कूलिंग पर्पस के लिए ऑयल का यूज किया जाता है। यह फोर सेलिंग बुशिंग और इसके नीचे मेन रहता है वो ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर कुछ भी नहीं है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। हम आते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं कर सकते। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है बहुत ही हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब मार्केट में जो वोल्ट मीटर हमें मिलता है, वो वोल्ट मीटर का प्राइस कितना होता है, 1000 से लेकर 3000 के बीच में हमें बहुत अच्छा वोल्ट मीटर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसी वोल्ट मीटर को अगर हम ट्रांसमिशन लाइन, जिसका वोल्टेज लगभग मान लो 33 kV है, वहाँ पर अगर इस वोल्ट मीटर को हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये वोल्ट मीटर जल जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम इस वोल्ट मीटर को लगा नहीं सकते, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा बहुत ही बड़ा वोल्ट मीटर, क्योंकि जो वोल्टेज है वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 132 kV, ठीक है, वहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो उस वोल्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, तो ये इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम उस जगह पर इस ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका कनेक्शन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, ये कुछ भी नहीं है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इसके प्राइमरी साइड पे दो टर्मिनल है, ठीक है। अगर आप फेज वोल्टेज मेज़र करना चाहते हो, ठीक है, तो एक वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे जो वायर है, उस वायर को आपको RYB किसी भी वायर में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर बी वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे इस कनेक्शन में सिर्फ मुझे ये पता चलेगा कि बी वायर में वोल्टेज कितना है, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि दोनों फेज के बीच में कितना वोल्टेज है, जिसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, अगर आप वो वोल्टेज मेज़र करना चाहते हो तो किसी और जो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज कैपेसिटी, जो प्राइमरी का वोल्टेज कैपेसिटी इस ट्रांसफॉर्मर से ज़्यादा है, आपको दूसरा कोई पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्राइमरी रेटिंग है वो रेटिंग बहुत कम है, ठीक है। फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मर को अगर आप लाइन वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मर से मान लो सिर्फ फेज वोल्टेज आप मेज़र कर सकते हो, तो इस ट्रांसफॉर्मर से आप जो लाइन वोल्टेज है वो आप मेज़र नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरा ट्रांसफॉर्मर मार्केट में इजिली मिल जाएगा, जिसका प्राइमरी रेटिंग या फिर प्राइमरी जो वोल्टेज रेटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप लाइन वोल्टेज मेज़र कर सकते। अब लाइन वोल्टेज मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R एंड Y के बीच का जो वोल्टेज है उसे मेज़र करना है। एक वायर R के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा वायर Y के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं Y और B के साथ मेज़र करना चाहता हूँ तो एक वायर Y के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा वायर B के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लाइन वोल्टेज इजिली मेज़र कर सकते हो, ठीक है। और फेज वोल्टेज तो मैंने बता दिया, अब इसका वर्किंग समझते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि ये जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। और हम सभी को पता है कि स्टेप डाउन का जो वाइंडिंग टर्न्स होता है, सेकेंडरी का जो वाइंडिंग टर्न्स होता है, वो प्राइमरी के मुकाबले बहुत कम होता है। इसलिए इनपुट वोल्टेज जितना हम देंगे, ठीक है, इनपुट के मुकाबले सेकेंडरी का जो वोल्टेज हो वो वोल्टेज बहुत घट जाएगा, ठीक है। उसका रेशियो होता है, बहुत तरीके का रेशियो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर बता दिया कि 120:1 होता है, ठीक है। अगर प्राइमरी वोल्टेज 33 kV हम इनपुट देंगे तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा सेकेंडरी में, 275 वोल्ट। अब इस 275 वोल्ट को हम इजिली एक छोटा सा वोल्ट मीटर से इजिली इसे मेजर कर सकते हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर इस ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी का अगर हम 25 kV को इनपुट देंगे तो हमें सेकेंडरी में मिलेगा 208.33 वोल्टेज, ठीक है। तो ये रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, मतलब प्राइमरी में हम जो देंगे
वो सेकेंडरी में रेशियो को हिसाब से हमें मिलेगा। अब एक काम कैसे करता है, जैसे ही हम इस वायर को प्राइमरी जो दो वायर एक फेस के साथ और एक ग्राउंड के साथ जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके प्राइमरी से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इसके प्राइमरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग नेचर की करंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करते हैं, अपना कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज करता ही रहता है। ठीक है, अब करंट जब अपना करंट की डायरेक्शन चेंज करेगा यहाँ पर इसके अंदर जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो फ्लक्स भी अपना कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, अब ये प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या करेगा, इस सेकेंडरी का जो कंडक्टर है मतलब ये जो वाइंडिंग है सेकेंडरी का, इस वाइंडिंग को कट करेगा। अब जैसे ही कट करके इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। देखो इस वोल्ट मीटर से क्या कर रहे हैं, हम इस सर्किट को पूरा क्लोज कर रहे हैं, मतलब सेकेंडरी का जो सर्किट है उसे हम क्लोज कर रहे हैं। अब जैसे ही क्लोज कर देंगे वोल्ट मीटर से तो क्या होगा, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका पता हमें इस वोल्ट मीटर पर लग जाएगा। ठीक है, और हम इसी की मदद से हम प्राइमरी में कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है उसका पता हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेशियो है। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऐसे ही करता है। अगर आपको पता नहीं कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, मेरे चैनल पे जाओ, एक ट्रांसफार्मर का वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये पीटी देख लो और भी आसानी हो जाएगी आपको समझ में। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता ही रहूँगा और जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।